आई एम यू फूडी पे आज हम बनाएंगे भुना मटन, भुना गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मटन ले लिया है, बोनलेस मटन है। बोनलेस मटन को मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी, इस तरीके से मार कर हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो रोटी रोलर से भी इसको फ्लैट कर सकते हो। देखिए, मैं सारे मटन के पीसेस को फ्लैट कर लूँगी। फ्लैट करने के बाद हम इसका मैरिनेशन मसाला इसका तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून हंग कर लिया है गाढ़ा वाला दही, 2 टेबलस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप हमेशा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून रॉ पपाया पेस्ट। ये कच्चा वाला पपाया पेस्ट है, अगर आप चाहें तो ड्राई पपाया पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक कोरिएंडर पेस्ट और 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून मलाई या क्रीम, 2 टीस्पून काजू पेस्ट ऐड करूँगी। काजू पेस्ट से क्या है, इसका रिच फ्लेवर इसमें आएगा। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं काजू पेस्ट तो मत ऐड कीजिए, पर काजू पेस्ट से है रिच फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें एक लेमन जूस भी ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद हम इस मसाले को मटन पर लगाएंगे। तो अब हम इस मटन को इस मसाले में लगा लेंगे। तो मैरिनेशन कर लेंगे हम इस मटन के पीसेस को। तो करीब आपको यहाँ पर 8 आवर्स के लिए मैरिनेशन करना पड़ेगा। ये मटन है, टेंडर होने के लिए टाइम लगेगा, मसाला जो है लगना चाहिए तो टाइम लगेगा आपको, इसलिए आपको करीब 8 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हो। अगर ओवरनाइट रख रहे हो तो बहुत और ज़्यादा अच्छा होगा, और ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन 8 आवर्स तो आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। तो सारे मटन के पीसेस को हम यहाँ पर मसाला लगाकर तैयार कर लेंगे। 8 आवर्स के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो ये मैरिनेटेड मटन है, तो इस मटन को हम स्टिक पे लगा लेंगे भूनने के लिए, रोस्ट करने के लिए। तो मैं इस मटन के पीसेस को स्टिक पे लगा रही हूँ रोस्ट के लिए, रोस्ट करने के लिए, भूनने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मेरे को सेंड कीजिए आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाकर दिखाऊंगी आई एंड यू फूडी पे। तो मैं आपको यहाँ पर 2 तरीक़े दिखा रही हूँ। आप दो तरीक़े से आप मटन को भून सकते हो, या तो आप एक स्टिक पे मटन को भून सकते हो, या अगर आपके पास स्टैंड है मटन या चिकन भूनने वाला, अगर कोई स्टैंड है तो उस स्टैंड पे भी आपको रख कर आप मटन को इजीली भून सकते हो, इजीली आप उसको रोस्ट कर सकते हो। तो ये स्टिक है, तो चलिए मैं आपको स्टैंड वाला भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये वाला स्टैंड है, तो स्टैंड पे आप मटन को रख लो। रखने के बाद हम इसको थोड़ा सा घी या बटर, थोड़ा सा ब्रश से हम घी या बटर लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। तो मैं सारे मटन के पीसेस को यहाँ पर रख रही हूँ। रखने के बाद मैं यहाँ पर घी है, हम इसको ब्रश की मदद से मैं यहाँ पर घी लगा दूँगी। आप चाहे बटर भी लगा सकते हो, घी या बटर कोई भी। तो सारे मटन के पीसेस हम यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको रोस्ट करेंगे कोलसे में, हम इसको भूनेंगे, जो बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है यह रेसिपी। ज़रूर आप इसको घर पे बनाइए, आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट इसमें मिलेगा, आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे इस रेसिपी को बनाकर। तो हम यहाँ पर इसको भून रहे हैं मटन को। मटन है, थोड़ा टाइम लगेगा, अगर चिकन होता है तो जल्दी से भून जाएगा, पर हम मटन भून रहे हैं
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप दोनों तरफ इसको टर्न कर कर दोनों तरफ आप इसको भून लीजिए, दोनों तरफ आप इसको रोस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टर्न कर रही हूँ, टर्न कर कर रोस्ट करेंगे हम। दोनों तरफ हम इसको टर्न कर कर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा मटन जो है रोस्ट हो गया है। तो दोनों तरफ हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद आप इस रेसिपी को सर्व कीजिए और शेयर कीजिए मुझे आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये रेसिपी जो है मेरे घर वालों की बहुत फेवरेट रेसिपी है, बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। सर्व कीजिए और कमेंट कीजिए और कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आई एंड यू फूडी।